नगर पंचायत गणेशपुर चेयरमैन को व्यापार मंडल के सह संगठन मंत्री ने सौंपा ज्ञापन। बस्ती जयपुरांचल व्यापार मंडल संबद्ध अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सह जिला संगठन मंत्री राजनाथ श्रीवास्तव अध्यक्ष पंकज विश्वकर्मा ने गणेशपुर नगर पंचायत के माँ दुर्गा का शोभायात्रा निकालने को लेकर गणेशपुर नगर पंचायत में कई वर्षों से जर्जर सड़क गड्ढा मुक्त होने को लेकर अन्य दो मुद्दों पर अध्यक्ष शोरमती चौधरी पत्नी पूर्व विधायक दयाराम चौधरी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक दयाराम चौधरी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल गड्ढा मुक्त करने को संज्ञान लिया। नगर पंचायत गणेशपुर में विभाग ने तत्काल कार्य शुरू कर दिया। नगर पंचायत में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था बाधित थी, सह जिला संगठन मंत्री राजनाथ श्रीवास्तव के प्रयास से चालू किया। जयपुर अंचल व्यापार मंडल संबद्ध अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सह जिला संगठन मंत्री राजनाथ श्रीवास्तव, रामविलास शर्मा, कोषाध्यक्ष उमाशंकर उपाध्याय, महामंत्री आदि ने गणेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष सोनमती चौधरी के प्रतिनिधि दयाराम चौधरी को धन्यवाद प्रेषित किया। जिंदाबाद जिंदाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो है उमाशंकर उपाध्याय और जो है कोषाध्यक्ष जो है रामविलास शर्मा जी, और इन लोगों ने जो है हमसे इस विषय पर चर्चा किया, और यहाँ के और भी पदाधिकारी थे जिनसे ये चर्चा हुआ कि जो है विगत दिनों नवरात्र चल रहा है और जो है इन दिनों नवरात्र चल रहा है और नवरात्र में जो है माँ दुर्गा जी का शोभा यात्रा निकलना है जी, जिसमें काफ़ी कठिनाइयाँ जी। तो हम लोगों ने इसके लिए एक ज्ञापन माननीय पूर्व विधायक श्री दयाराम चौधरी जी, जो हमारे नगर पंचायत के अध्यक्षा हमारे नगर पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती सोनमती चौधरी जी हैं जी, उनके पतिदेव भी हैं जी, हमने उनको एक ज्ञापन दिया हम लोगों ने जी, व्यापार मंडल की तरफ। सर किस किन किन मुद्दों पे आपने ज्ञापन दिया इनको? तीन मुद्दों पर ज्ञापन दिया था उनको। पहला मुद्दा था कि वाटर सप्लाई गणेशपुर की ध्वस्त थी जी, जो चालू नहीं हो रही जी, जिसने उन्होंने परसों से ही वाटर सप्लाई की व्यवस्था चालू कर दिया, परसों शाम से गणेशपुर में पानी आना शुरू हो गया जी। तो हमारी पहली मांग ये पूरी हो गई जी। दूसरी मांग हमारी ये थी कि माँ दुर्गा का जो शोभा यात्रा निकलना है उसमें सड़क ये अवरोध था जी, तो हम लोगों ने ये मांग किया था कि सड़क को गड्ढा मुक्त किया जाए जी। तो माननीय विधायक जी ने जो है माननीय पूर्व विधायक श्री दयाराम चौधरी जी ने ये आश्वासन दिया था कि जो है सड़क जो है तब तक जो है गड्ढा मुक्त करवा दिया जाएगा, और आज हम लोग देख रहे हैं कि जो है परिणाम सामने है और सड़क लगभग लगभग गड्ढा मुक्त होने के करीब में है और कार्य चालू है।